रेप केस का आंकड़ा पता नहीं है आपको? राजेंद्र लगता है ये केस भी फाइलों में ही दम तोड़ देगा। क्या बॉलीवुड वालों के पास अपनी कोई स्टोरी नहीं है? क्यों मूवीज राइट्स बॉलीवुड वालों को बेचे जाते हैं? क्या सिंघम 3 एक पैन इंडिया मूवी बनेगी? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। सिंघम 3 का नाम सुनते ही रोहित शेट्टी और अजय देवगन के एक गोसिप का पार्ट बन जाते हैं, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती काफी पुरानी है और गहरी है। रोहित शेट्टी और इनके जैसे बहुत से डायरेक्टर्स अलग अलग तरह की मूवीज बनाकर सालों से हमें एंटरटेन करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पर पहले हिंदी सिनेमा में पुराने टाइम के डायरेक्टर्स जैसे यश चोपड़ा, राजकुमार हिरानी और संजय लीला भंसाली जैसे नामी डायरेक्टर्स ने कभी किसी फिल्म का रीमेक नहीं किया, क्योंकि इन्होंने हमेशा अपनी रियल स्टोरीज ही बड़े पर्दे पर दिखाई थी और कभी भी इन डायरेक्टर्स और ना ही साउथ इंडस्ट्री इतनी लाइमलाइट में आई थी। लेकिन अब वक्त इतना बदल चुका है कि बॉलीवुड डायरेक्टर्स अपनी कहानियां ना बनाकर साउथ इंडस्ट्री पर डिपेंड हो चुके हैं। जैसे सिंघम मूवी का ही एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये फिल्म साउथ की सिंघम का रीमेक है। इसके अलावा अजय देवगन की गोलमाल और सन ऑफ सरदार मूवी भी रीमेक ही थी। इससे आप भी आइडिया लगा सकते हैं कि बॉलीवुड वालों के पास अपना कोई स्टोरी और स्टोरी लाइन नहीं है, और जब तक साउथ इंडस्ट्री कायम है तब तक हिंदी सिनेमा कायम है। हम सिर्फ बॉलीवुड वालों में कमियां निकालें तो वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि जब तक साउथ डायरेक्टर्स और राइटर्स अपने मूवी राइट्स बेचते रहेंगे तब तक हमारे यहाँ भी रीमेक बनते रहेंगे। जैसे आजकल काफी अपकमिंग मूवीज के बारे में हम आपको बताते रहते हैं और आगे भी बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बात सिंघम 3 के बारे में चल रही है, क्योंकि रोहित शेट्टी ने इस मूवी के राइट्स भी साउथ डायरेक्टर हरी से खरीदे थे। इसके अलावा अगर हम साउथ मूवीज की और बाकी हीरोज की बात करें तो शाहरुख की चेन्नई एक्सप्रेस एक साउथ थीम थी और शाहिद कपूर ने कबीर सिंह से कमबैक करा था, लेकिन ये फिल्म भी साउथ की कॉपी थी। और पिछले 10 से 15 सालों में हमने बॉलीवुड पर साउथ का असर देखा है और साउथ की मूवीज ने ही बॉलीवुड एक्टर्स को बनाया है और बचाया भी है। और साउथ की मूवीज का हिट होना और बॉलीवुड वालों का अपने मूवीज राइट्स बेचने का स्पेशल रीजन एक ही है कि साउथ इंडस्ट्री हमेशा यूनिक कंटेंट के साथ मूवीज बनाते हैं और वही बॉलीवुड वाले उसी कंटेंट को कॉपी करते हैं। तो ऐसे में डेफिनेटली बॉलीवुड डायरेक्टर्स उनका कंटेंट भी खरीदेंगे और रीमेक भी बनाएंगे और साउथ की फिल्मों के जैसे सक्सेस भी हासिल करना चाहेंगे। अरे बॉलीवुड वालों, कुछ तो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट रखो ना। बट एनीवेज, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही इंडियन सिनेमा का सूरज ढलता हुआ नजर आएगा। वैसे तो साउथ की ऑलमोस्ट सभी लेजेंडरी फिल्में पैन इंडिया मूवी बनती आई हैं, जैसे बाहुबली और बाहुबली 2 और RRR और KGF जैसी फिल्मों ने पैन इंडिया बनकर एक हिस्ट्री क्रिएट की है। लेकिन जैसे ही आपको हमने बताया कि इंडियन सिनेमा सिर्फ साउथ की फिल्माई गई फिल्मों की नकल करते आए हैं, तो ऐसे में सिंघम और ये पूरी फ्रेंचाइजी पैन इंडिया बन पाएगी या नहीं, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन किसी आर्टिकल में इस बात का खुलासा भी हो चुका है कि 2022 और 23 की पैन इंडिया मूवीज लिस्ट में सिंघम 3 का नाम आना मुश्किल लग रहा है। पर अगर सिंघम 3 एक पैन इंडिया मूवी बन जाती है तो इंडियन सिनेमा वालों की छाती चौड़ी हो जाएगी। खैर, हम और आप इसी साल या कमिंग नेक्स्ट ईयर में जल्दी ही सिंघम 3 मूवी एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सिंघम 3 एक पैन इंडिया मूवी बन पाएगी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी जानकारी और मसालेदार बातें जानने के लिए बेल आइकन को अभी प्रेस कर दीजिए ना। धन्यवाद।